टीम इंडिया विश्व फतह करने के बाद वापस स्वदेश लौटी गुरुवार को, और गुरुवार को उनका दिन बहुत व्यस्त रहा। सुबह प्रधानमंत्री से मुलाकात की, फिर मुंबई गए और वहां विक्ट्री परेड में हिस्सा लिया, और वो दृश्य आप लोगों ने देखा होगा, जनसैलाब उमड़ा हुआ था। लेकिन उस विक्ट्री परेड के बाद जब रोहित शर्मा अपने घर पहुंच रहे थे तो उस वक्त दोस्तों ने उनका ग्रैंड वेलकम किया, बिल्कुल यूनिक स्टाइल में। किस तरह से उनका वेलकम किया उनके दोस्तों ने, यह आपको बताऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह को लेकर कौन सी बड़ी बात कर दी है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, यह भी आपको बताऊंगा रोहित शर्मा के बारे में। बड़ा खुलासा किया है उन्होंने रोहित शर्मा के लिए। तो आज इन्हीं सब विषयों पर हमारी आपकी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। गुरुवार को टीम इंडिया की स्वदेश वापसी हुई और दिन में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जब टीम मुंबई पहुंची और विक्ट्री परेड में हिस्सा लिया तो पूरा मुंबई ऐसा मानो ठहर सा गया था और इस विक्ट्री परेड में शिरकत करना चाहता था। वानखेड़े स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम जैसा आयोजन हुआ जहां खिलाड़ियों ने खूब मस्ती की, इमोशनल हुए, डांस किया, तो वो सब कुछ था। इस परेड के बाद जब खिलाड़ी वापस लौटे और रोहित शर्मा जब अपने घर की ओर मुखातिब होते हैं तो वहां तिलक वर्मा, जो कि क्रिकेटर तिलक वर्मा की मैं बात कर रहा हूं, वो और रोहित के कुछ खास दोस्तों ने उनका बिल्कुल खास तरीके से जो है वेलकम किया। हुआ क्या कि उन्होंने उन्हें एक यूनिक सल्यूट दिया, लेकिन उससे पहले जो वो चाल चल रहे थे इनके स्वागत के लिए, वेलकम कर रहे थे, तो एक तरफ से रोहित शर्मा आ रहे थे और उनके साथी सामने में थे और वो स्लो मोशन में चल रहे थे, ठीक उसी तरह से या कुछ कुछ वैसा ही जैसे रोहित शर्मा ट्रॉफी लेने के लिए जब जा रहे थे तो उन्होंने चलने की कोशिश की थी। तो जो उनके दोस्त है उसी स्टाइल में चलते हुए आते हैं और एक खास अंदाज में उनको सल्यूट करते हैं, और एक कस्टमाइज्ड टी शर्ट सभी दोस्तों ने पहन रखी थी जिस पर रोहित शर्मा की तस्वीर भी लगी हुई थी। उसके बाद दोस्त जो हैं वो रोहित शर्मा को गोद में भी उठा लेते हैं, तो दोस्तों का सेलिब्रेशन इस तरह की चीजों में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। आप टीम के साथ सेलिब्रेट कर लिए लेकिन दोस्तों के साथ जो सेलिब्रेशन होता है वो बिल्कुल खास होता है। इन सब के बीच जब विक्ट्री परेड वानखेड़े स्टेडियम पहुंचा और वहां पर खिलाड़ियों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की तो विराट कोहली ने कुछ खुलासा किया रोहित शर्मा के बारे में। उन्होंने कहा कि मैं रोहित शर्मा को 15 सालों से जानता हूं, लेकिन इससे पहले मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। जी हां, वो फाइनल के दिन की बात कर रहे थे जब विश्व कप खिताब जीतने के बाद रोहित शर्मा की आंखों में आंसू थे और खुद विराट की भी आंखों में आंसू थे, और यही बात विराट कोहली ने बताई कि जब हम स्टेप चढ़ रहे थे, मतलब जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो मैंने देखा कि रोहित रो रहे हैं। मैंने 15 सालों में पहली बार रोहित को रोते देखा, हालांकि मैं भी रो रहा था, और उसके बाद हम आपस में गले मिले और मैं इस मोमेंट को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की तारीफ की उस आखिरी ओवर की पहली गेंद के लिए, जब उन्होंने कहा कि प्रेशर बहुत था तो हार्दिक जो है वहां पर सामने आते हैं और जो ओवर उन्होंने किया और जो कैच सूर्य कुमार यादव ने लपका वो लाजवाब था, और वहां पर बहुत नर्व की जरूरत थी, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और ये बातें सुनकर हार्दिक जो है वो भावुक हो जाते हैं जबकि सूर्य कुमार यादव एक स्माइल देते हैं। अब हम जानते हैं कि विराट कोहली जो है किसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने की याचिका पर तुरंत सिग्नेचर करने के लिए तैयार हैं, यह भी जो है इस पर से इस राज से भी पर्दा जो है विराट कोहली ने उठाया। दरअसल कार्यक्रम के दौरान जो एंकर थे, जब उन्होंने पूछा कि अगर जसप्रीत बुमराह को ये राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की
कोई याचिका है तो क्या आप उस पर साइन करेंगे? तो विराट कोहली का जवाब था तुरंत, उन्होंने जसप्रीत बुमराह की तारीफ की और कहा कि पूरे विश्व कप के दौरान उन्होंने कई मैचों में हमारी वापसी कराई और उन्हें जो है जेनरेशन बॉलर कहा। तो जमकर तारीफ हुई जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह जब विराट कोहली ये बातें कह रहे थे तो वो मुस्कुरा रहे थे, तो एक खुशनुमा माहौल रहा टीम इंडिया के लिए, एक एक्सपीरियंस जो कि वो कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह का अनुभव जो है उन्होंने अर्जित किया, जो देखने वाले थे, जो लोग थे, वो सभी जो है इससे खुश थे। तो भारतीय क्रिकेट टीम ने जो खुशी दी है देशवासियों को विश्व कप का खिताब जीतकर, उसके लिए हम टीम इंडिया को जो है थैंक्स कहना चाहेंगे और बहुत सारी बधाइयों के साथ भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।